ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम खा पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। बंदे में तादम वंदे मातरम, बंदे में तादम वंदे मातरम। खदता उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से ते वो चलते सीना तान के। बंदे में तादम वंदे मातरम, बंदे में तादम वंदे मातरम। बंदे मेता दम वंदे मातरम। हाय गाइस, मैं आप लोगों को गांधी जी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। गांधी जी में इतना दम कैसे आया, कहाँ से आया, इतना ताकत कहाँ से आया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। गांधी जी ने बाइबल पढ़ के इंडिया को आज़ादी दिलाई है, ठीक है। इतना ताकत कहाँ से आया? ये ताकत सिर्फ गॉड से ही आ सकता है, गॉड से ही आ सकता है। गांधी जी ने एक कहावत बोली थी, आप सब लोग को मालूम होगा। हम लोग मुन्ना भाई मूवी में भी सुने, किसी ने आपको दाई गाल पे मारा तो दूसरा गाल भी आपको आगे कर लेना चाहिए, करेक्ट। ये स्क्रिप्चर जीसस ने बोले थे, और ये है बाइबल में लूक 6:29 में ये स्क्रिप्चर है जो गांधी जी ने यूज किया था। लूक 6:29, इफ समवन स्ट्राइक्स यू ऑन वन चीक टर्न टू हिम द अदर ऑल्सो। तो गांधी जी को मालूम था नॉन वायलेंस से ही आजादी मिल सकता है। जीसस गांधी जी ने इंडिया को आजादी दिलाई है नॉन वायलेंस से। मेरे प्यारे भाई बहन, जीसस ने पूरे दुनिया को आजादी दिलाई है विदाउट नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस उनको सूली पे चढ़ा दिए, उन्हों किसी को कुछ नहीं बोले। जीसस ने सिर्फ यही बोला गॉड को, इनको माफ कर दो गॉड फादर, इनको माफ कर दो, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं आप लोग को और एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। जिस दिन जीसस ने क्रॉस पे मरे थे, उस दिन जीसस ने हमारे पूरे बीमारियां, पाप, जिल्लत, ये सब कुछ अपने शरीर पे लेके मर गए। इसका मतलब यह है कि हम आजाद है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग आजाद है, वी आर फ्री, हम लोग गॉड के बच्चे हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो इस हम लोग आजाद है, इसका मतलब क्या है? आजाद है मतलब हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप उसको निकाल के फेंक सकते हैं। कोई भी बीमारी रहने दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे, आपको बताता हूँ कैसे। ये बीमारी क्या है ये भी बताता हूँ मैं। बीमारी क्या चीज़ है? बीमारी एक अपवित्र आत्मा है। अपवित्र आत्मा यानी इविल स्पिरिट, एक अनक्लीन स्पिरिट, अनक्लीन इविल स्पिरिट। तो ये क्या है? ये इंसान के शरीर में जाके बस जाते हैं, बस के वो अंदर से इंसान को खाते रहते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। लेकिन इसका हल है, इसका हल है। अगर आप बाइबल में पढ़े, न्यू टेस्टामेंट में, जब जीसस यहाँ पे थे, हमारे साथ, इंसानों के साथ थे, जीसस ने बहुत सारे लोगों को हील करे, सबकी बीमारियों को दूर भगा दिए। उसी तरह, तो सेम वे हम इस बीमारी को भगा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको नहीं मालूम हो तो आप कैसा करेंगे? आप डॉक्टर के पीछे इधर उधर भागेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, करेक्ट। ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये
ये राज थे, वो बीमारी को हम अपने शरीर से निकाल के फेंक सकते हैं। कोई भी बीमारी रहने दो, कोई भी बीमारी रहने दो, आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ लेना, जिसने कैसे कैसे बीमारी हील करे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ उसको कैसे निकाल के फेंकना है, लेकिन आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपको ठीक कर देंगे, बस उतना ही विश्वास करना है। फिर देखो आप करिश्मा, अगर आपके शरीर में कुछ बीमारी है तो आप नील डाउन करो और अपने हाथ उठाओ, हाथ उठा के आप उस बीमारी से बात करो, उस बीमारी को बोलो, बीमारी मेरे शरीर से निकल के जा, यीशु मसीह के नाम से अभी निकल के जा, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, वापस जा जहां से आया, वापस जा। और देखना ये करिश्मा, वो बीमारी आपको छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि वो एक अपवित्र आत्मा, एक इविल स्पिरिट है, और उसको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही होगा ये। तो अगर आपको कुछ है तो करो ये स्ट्रेट अवे, डिले मत करो, नील डाउन करो, हाथ उठाओ और विश्वास करके बोलो, बीमारी निकल के जा मेरे शरीर से यीशु मसीह के नाम से। और फिर देखना करिश्मा, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपको ही आपको आपको ठीक हो गया, आपका बीमारी चला गया, अगर नहीं बोलूँगा मैं ये बोलूँगा आपका बीमारी जाएगा, और आपका बीमारी जाने के बाद कमेंट करिए सेक्शन में कि आपको बीमारी क्या बीमारी था, कैसे ठीक हुआ, ताकि दूसरे लोगों को मालूम पड़े ये राज, ये रहस्य मालूम पड़ सके, क्योंकि जीसस इज द ओनली गॉड, जीसस इज द ट्रू लिविंग गॉड, ये जीवित गॉड है हमारे जीसस। तो एनीथिंग इज पॉसिबल विद जीसस, गॉड जीसस के लिए कोई समस्या मुश्किल नहीं है, उनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड ब्लेस यू।